गंगा में लाशें तैर रही थी और ये चुनावी रैलियां कर रहा था। गुजरात में बिल्किस बानू के बलात्कारियों को खुलेआम कहा जाता है कि वो संस्कारी हैं। आरएसएस के दो लाल, मोदी और केजरीवाल। अतुल जी, जिस तरीके से अभी भगवा रंग की ड्रेस को लेकर के अभी तांडव हो रहा है लगातार, जो संस्कृति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, चंद लाइनों से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब सारे अनपढ़ जाहिल ही सत्ता में आ गए हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, तो खाने पर विवाद, पहनने पर विवाद, भाषा पर विवाद, धर्म पर विवाद, जाति पर विवाद स्वाभाविक है। और विवाद क्यों है भाई? शाहरुख के पीछे तिवारी नहीं लिखा है, शाहरुख खान लिखा है। तो ये जो टाइटल है, ये बीजेपी के प्रोपोगेंडा को सूट करता है। तो शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान है तो भाई उसका विरोध करना जरूरी है। भाई, चाइना के मुद्दे को किस तरीके से छुपाया जा सके, लगातार अनेकों अनेक प्रहार चाइना की सेना भारत की जो है धरती पर कर रही है, लगातार कब्जा कर रही है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। अभी पूर्व में 200 शेल्टर हाउसेस हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश में चाइना बना देता है। 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चाइना के बीच में खूनी संघर्ष होता है, उसमें हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक घायल होते हैं। 3 दिन तक इतनी संवेदनशील खबर को छुपाई जाती है। आप ये बताइए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं है जो आज मीडिया में है, जो इस देश की सेना की जो सबसे संवेदनशील खबर है उसको छुपाती हैं, और प्रधानमंत्री और गोदी मीडिया इस देश में ढिंढोरा पीटती है कि गुजरात इलेक्शन जीत गए। आप समझिए, वो दौर आप याद करिए जब देश की जनता जो है ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रही थी, और ये तानाशाह बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहा था, गंगा में लाशें तैर रही थी और ये चुनावी रैलियां कर रहा था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अंग्रेज तो कहते थे कि फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो। और मुझे कोई वो नहीं है। आज तो एक संकीर्ण राजनीति इस देश में शुरू हुई है कि इस देश के साहित्य को, सिनेमा को, इस देश की जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसको बर्बाद कर दो, बायकॉट कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी पेंजेंट के उस शो में, फेमिना इंडिया के शो में भगवा रंग पहन करके जो है वो चल रही थी, तब किसी का खून नहीं खोल रहा है? तब वो भगवा रंग नहीं दिख रहा आपको? लगातार इस देश में ढोंगी बाबा जो भगवा वेश धारण करके छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उन पर आपको नहीं संदेह हो रहा है कि वो भगवा पहन करके किस तरीके से कुकृत कर रहे हैं? कितने बाबाओं ने आवाज़ उठाया आसाराम के खिलाफ, कितने बाबाओं ने महामंडलेश्वर ने ये कहा कि हम जो है बाबा राम का बहिष्कार करते हैं? गुजरात में बिल्किस बानू के बलात्कारियों को खुलेआम कहा जाता है कि वो संस्कारी हैं? आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में आज ऐसी कट्टरपंथी चरमपंथी ताकतें आ गई हैं, और मुसलमान तो इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। मुसलमान सांप्रदायिकता जो हथियार है वो सूट करता है। ये क्यों नहीं करेंगे? पठान का विरोध करेंगे, जिस भी नाम के पीछे मुसलमान होगा। इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, चाइना नहीं है, बढ़ती हुई जो है भुखमरी नहीं है। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश का मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा करते हैं, भड़काते हैं, आग लगाते हैं और इस जनता को बांटते हैं। ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, ये इनकी विचारधारा को सूट करता है, और ये लगातार करेंगे। ये तब तक करेंगे कि जब तक कि हिंदुस्तान बर्बाद ना हो जाए, खोखला ना हो जाए। जी, हिंदुस्तान बोल रहे हैं लेकिन भारत देश बोला जाता है, भारत बोला जाता है, हिंदुस्तान
को तो नकारते हैं नहीं, कि नहीं, हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्यों आप हिंदुस्तान मैं बाबा साहेब के दिए हुए संवैधानिक देश में रहता हूँ। मैं इस देश को इंडिया कहूँ, हिंदुस्तान कहूँ, मादरे वतन कहूँ, भारत कहूँ, ये मेरा निर्णय होना चाहिए। ये कोई संघ के बैठे हुए कार्यालय से हमें नहीं बताएगा कि हमारी जो है राष्ट्रवाद क्या होता है। आज राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। यही लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश को दो धड़े में बांटने का काम किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो हिंदू महासभा है, आप इतिहास जाके उठा के देखिए ना, ये सबसे आगे अंग्रेजों के इन्हीं के नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं। 60 रुपया का पेंशन लेते थे, बुलबुल पर उड़ते थे और देश के उन गद्दारों का साथ देते थे जो इस देश को, भारत माता को अनेकों अनेक जिसने प्रहार किया है। तो आपको समझना पड़ेगा, जनता क्यों नहीं चुनेगी? जनता के बस में क्या है? जनता तो बेरोजगारी से मर रही है, कौन उनकी आवाज सुन रहा है? आज अभी किसान 750 किसान तड़प तड़प कर इसी धरती पर, आपने भी कवर किया और तमाम यूट्यूब के सारे हमारे मित्रों ने कवर किया, आपने देखा 750 किसान मरे। आप ये समझिए कि किसान के हाथ में, नौजवान के हाथ में, हिंदुस्तान के आम जनता के हाथ में अब कुछ बच ही नहीं गया है। कुछ बचा हो तब तो भैया, नहीं 51% वोट इनके विपक्ष में भी पड़ा है। ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, अगर आप देखेंगे तो 41% वोट पाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाया है और 51% वोट पा करके सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी बाहर हो गई हैं। तो ये मत कहिए कि इनके खिलाफ वोट नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में वोट हो रहा है इनके खिलाफ, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार गई, बंगाल में इनकी सरकार गई, बिहार में इनकी सरकार गई। आप ये मत कहिए कि बदलाव नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, सुनिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा और ऋतु आए। जब इनका समय आ जाएगा तो इनको उखड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। आप ये तो उसका विषय है, रिसर्च का विषय है कि मोरबी में जहां 60,000 वोट से जीतता है एक विधायक और वहां पे 125 लोगों की जान चली जाती है, वहां से भी अगर विधायक जीत के चला आता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो है लोकतांत्रिक ढांचा वहां इस्तेमाल किया गया होगा। जो बिल्किस बानू के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, वो व्यक्ति जो है रिकॉर्ड वोट से जीत कर चला आता है, आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई क्या है। और ये जो बी टीम है, आरएसएस के दो लाल मोदी और केजरीवाल, ये जो दो इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा एक साथ मिल चुकी हैं, ये आने वाले इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस भारत भारती के एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। आप इनको दो मत मानिए, इन दोनों को आप एक मानिए, एक ही पहलू के ये दोनों सिक्के हैं। 55 सीटों पर इन दोनों ने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से, इन्होंने लोकतंत्र को ठगने का काम किया है। आप जाके देखिए, आप ऑप्शन है, आप इन यूट्यूबर में से मैंने बहुत से लीडर देखे, आप प्रोजेक्ट करिए ना, लेकिन प्रोजेक्ट क्या ये तानाशाह होने देंगे? क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियों के मठाधीश बैठे हुए हैं, क्या ये आपको हमको प्रोजेक्ट होने देंगे? नेता कौन नहीं है साहब, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है कि कोई नहीं है, मोदी जी नहीं है। तो क्या मोदी जी नहीं थे तो ये देश नहीं चलता था क्या? मैं कह रहा हूँ, आज जितनी सांप्रदायिकता है, मैं तो आज खुलेआम यहाँ से कह रहा हूँ कि मोदी गद्दी छोड़ो, मोदी जी के आने से राम राज्य आ गया है। मोदी गद्दी छोड़ो, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को बांट रहा है और जिसके आंख के सामने आप देखिए जेएनयू में किस तरीके से अभी क्या क्या लिखा जा रहा है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण जो है बनिया भारत छोड़ो, कल को दलित भारत छोड़ो लिखेंगे, परसों कुछ और भारत छोड़ो। क्या हम इसी तरीके से इस देश को जोड़ने का काम करेंगे? आज गृह मंत्री की पुलिस कहाँ है?
कन्हैया कुमार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, आज तो आपके सामने वहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, तो क्यों कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहा है? अगर कन्हैया कुमार आतंकवादी है, कन्हैया कुमार देशद्रोही है, कन्हैया कुमार तो काहे बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहा है? और क्यों कन्हैया कुमार जी को जो है सुरक्षा दिया जा रहा है? गुजरात में पुलिस पीछे पीछे सुरक्षा में जा रही है। आप समझिए कि किस तरीके से इस देश को गुमराह किया जा सके। सबसे बड़ी बात है, चंद लाइनें में कहना चाहूँगा, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले चोरों से। और आप सबको ये निर्णय करना पड़ेगा, और अभी तो यूट्यूब पे पाबंदी आने वाली है, आने वाले समय में यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही YouTube विरोधी, मतलब आवाज़ को कुचलने वाला कानून आने वाला है, जिसमें कि ये पूरे YouTube को भी कानून के दायरे में लाएंगे और उन सभी चैनलों को बैन कर दिया जाएगा जो BJP और RSS के खिलाफ दिखा रहे हैं। तो एक आंदोलन आपको भी अब करना पड़ेगा। अब आप ये माइक लेकर के ये दुश्वार हो जाएगा। और आपने देखा कि आज जो NDTV एक तरीके से माना जाता था, उसको रवीश कुमार को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन NDTV खरीद लिया। तो इस देश में पूरे तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, और अभी आने वाला समय बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। लगातार इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, और ये जो सत्ता में बैठे हुए मनुवादी हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि इस देश में कोई आगे बढ़े, वो आज ताकतें इस देश में है। आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक भूत इन्होंने पैदा कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जो भूत है, उसका मतलब ये है कि देश का सारा पैसा, सारा चंदा एक ही आदमी खाएगा, और वो RSS खाएगी, वो BJP खाएगी, बाकी किसी को इस देश में फंड लेने का अधिकार नहीं रह गया। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड ला दिया। इस मुद्दे पे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बार बार इसको उठाता हूँ। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो वही, अच्छा तो इनके जो वित्त मंत्री हैं वो भी तो JNU से हैं। JNU से अभिजीत बैनर्जी हैं। JNU से तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है इस देश का नाम रोशन किया है, और JNU को तोड़ोगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम JNU जामिया और तमाम किसी, देखिए शिक्षा के मंदिर को, JNU में कोई नारे नहीं लग रहे। मैं तो कह रहा हूँ जांच कराओ उनकी, जो नारे लगा रहे कन्हैया कुमार खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने लिखा कि ब्राह्मण भाड़ छोड़ो, वो तो, ये तो पुलिस की नाकामी है, ये तो प्रशासन की नाकामी है। आज सत्ता में कौन है आप बताइए ना? आपको तो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। सुनिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्रों को, मैंने नहीं किया आंदोलन, पहली बार ऐसा हो रहा है, JNU के छात्र पर हमें गर्व है, और JNU से निकला हुआ हर बच्चा इस देश के भारत माता की औलाद है, इस बात को समझिए। और JNU क्यों इनको खटकता है? क्योंकि JNU गरीब से गरीब, दबे कुचले, वंचित शोषित के बच्चे को ये अधिकार देता है कि उस तानाशाह का कॉलर पकड़ के सवाल पूछो। और ये तानाशाह सवाल से डरते हैं, कोई भगवा से नहीं डरता है। अरे सुनिए, हम भी ब्राह्मण हैं, और हम भी पंडित हैं, और हम भी जो है, हम क्यों इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो लगातार इस, आप गलत संदेश दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं। ब्राह्मण और कोई भी जाति, इस देश का दलित इनसे परेशान है। इस देश का, क्यों ब्राह्मणों की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस जाति का हुआ है? ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मण विरोधी कौन है? उन्हीं के गढ़ में योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहा जाता है? जो सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी हैं। आज ब्राह्मण इनका साथ छोड़ रहा है, इसलिए ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और JNU में लिखवा रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसी जाति है जो अगर पलट गया तो इनकी सत्ता जाने में देर नहीं लगेगी। और ब्राह्मण इनसे बहुत खुश, बहुत हद तक
बीजेपी को छोड़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, गली मोहल्लों में देख रहा हूँ कि ब्राह्मण इनसे खफा है, बिल्कुल साजिश हो रही है। अभी तक आप ये नहीं समझे, जेएनयू में ये इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इन्हीं के लोग जो है नेहरू की मूर्ति को तोड़ते हैं, हम बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं, वहाँ कहते हैं जेएनयू में सावरकर की मूर्ति लगा दो, वहाँ कहते हैं कि जेएनयू में जो है जितने बांटने वाली ताकतें हैं उनकी फोटो लगा दो। ये तो सबकी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले हैं। आप बताइए ना, आप सुनिए, जेएनयू समस्या नहीं है, जामिया मिलिया इस्लामिया समस्या नहीं है। समस्या इनके लिए वो लोग हैं जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, जो इनको नंगा कर देते हैं, जो इनको इनकी विचारधारा को जानते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, इसका संदेश जेएनयू और इस देश की तमाम यूनिवर्सिटी। आज इलाहाबाद सुनिए, आप भागिए मत, सुनिए मेरी बात। आपने जब छेड़ दिया है इलाहाबाद में 400% फीस वृद्धि कर दी, किसका बेटा पढ़ता है वहाँ? अंबानी अडानी का बेटा पढ़ता है वहाँ, गांवों से आए हुए। अरे साहब, भारत के गांवों से आए हुए बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जब एक बच्चा अपने घर से चावल का बोरा लेकर के सुदूर किसी गांव से चलते हुए, पगडंडियों पे चलते हुए, चमचमाते किसी शहर के बड़े यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे खड़ा होता है, तो वो इस आशा से खड़ा होता है कि 400 रुपया में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँगा और इस देश का नाम रोशन करूँगा। जब उसी यूनिवर्सिटी का फीस 400 रुपया से 4000 बढ़ा दिया जाता है, तो उस दिन उस देश के युवा के सपनों की हत्या हो जाती है। और एक बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का मरना ठीक है, लेकिन सपनों के मरने का मतलब इस देश के भविष्य को का मरना है। और ये जो तानाशाह हैं, ये चाहते हैं कि कोई इनसे सवाल ना पूछे, ये तानाशाही खुलेआम करें। और आप देखेंगे इस देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। और कब तक बांटोगे, कब तक बांटोगे? कहते हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। और चंद लाइनें मैं कहूँगा, उसी से अंत करूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वो ऊँचे ऊँचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। अपने कातिल को ही अगर मुनसिफ मान लिया है तो आप किसी और को नहीं कह सकते हैं। और फिर भी हम आशावादी लोग हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी ये तानाशाह जान ही क्यों ना ले लें, क्योंकि फिर से ज़रूरत है इस देश में नए चंद्रशेखर की, नए भगत सिंह की, क्योंकि ये देश रो रहा है, कराह रहा है। और अब समय आ गया है सबका कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। धन्यवाद।